हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। किसी पुरुष को पैसे आप मत दो। पीएम मोदी ने वाराणसी की महिलाओं से क्यों कहा ऐसा? किसी भी पुरुष को पैसा मत दो, चलो निकालो मेरा पैसा सारा। ये करोड़पति लेडीज के लिए बोल रहे हैं या लखपति दीदियों को बोल रहे हैं? तो मैं लखपति मोदी जी मुझे भी बना दो और करोड़पति दीदी बनना पड़ेगा, फिर आएगा वो। मोदी जी बनाओ, फिर मैं इनसे निकालूं सारा पैसा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गिर गाइस, जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया? आप अच्छा। तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। दब दुखों की एक दवा गिर गाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज हमको, जिसकी हमकी अनुभूति भी नहीं थी कि सर आपसे हम मुलाकात कर सकते हैं, आप हम भाई हम बहनों को यहाँ बुलाएं और आपसे प्रत्यक्ष। तो गाय मिली उसका आनंद नहीं है सर? गाय के ही सौजन्य से तो सर हम यहाँ पर आए हैं। और सर गिर गाय मिलने से सर हम तो आत्मनिर्भर तो हुए ही हैं सर, उसके साथ साथ सर हमारी संस्कृति का भी विकास हुआ है। अच्छा, आप में से किसी को विचार आया कि अपनी गाय के साथ सेल्फी ले? जी सर, हम लोग गाय के साथ ले लिए हैं। जी सर, सर हमारे हमारे बच्चे ना जाते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसके गले लपड़ मतलब मिल जाते हैं। आपने हमें गिर गाय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गिर गाय साहब रोज लगभग 17 से 18 केजी दूध देती है। 18 केजी? अच्छा, हमारा गुजरात में मैंने नियम बनाया था कि किसी पुरुष को पैसे मत दो दूध के। अच्छा, महिला को सीधा मिलना चाहिए। यहाँ शुरू किया कि नहीं किया? देखिए मैं आज बोल करके जा रहा हूँ, अभी आपके अकाउंट में दूध का पैसा महिलाओं के अकाउंट में ही जाएगा, किसी पुरुष के अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया? और सर जी, जो बोनस का पैसा आता है, मैं उससे गोबर खरीदती हूँ और वर्मिंग खाद का। अच्छा, वो काम शुरू किया? जी सर जी, वर्मिंग खाद बनाती हूँ। हमारी वर्मिंग खाद जो है महीने का लगभग 40 से 50 कुंटल जो है तैयार होता है, उसे मैं मार्केट में सेल करती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी बहुत ही आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। गिर गाय जो पाव पड़ा है बहुत ही शुभ है। उनके आने से एक उनकी गिर गाय आने से 14 साल के बाद हमारे यहाँ बछड़ी हुई, जिन्हें हम प्यार से हनी बनी कहते हैं। हनी बनी हमारे में काफी गाय के साथ भी जुड़ गया। जी सर, मेरे पास कोई गाय नहीं थी और मेरे पास पहली गिर गाय आई, और इसके पहले मैं बहुत सर परेशान भी रहती थी। मेरे यहाँ पारिवारिक आर्थिक तंगी भी चलती थी, आए दिन मेरे घर में दुर्घटनाएं होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है सर, सब गौ माता के आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है सर, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कितना दूध मिलता है और कितना कमाई होती है? महीने का सर आ जाता है 8 से 9 हजार रुपए। पहले कितना मिलता था? कुछ नहीं था सर, पहले कुछ था ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। अब महिलाओं को जो आप सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं सर, उसके लिए भी मैं आपकी थैंकफुल हूँ। अब जो गिर गाय है बहुत अच्छी है, मतलब परिवार की फैमिली मेंबर बन गई है। जी, परिवार की फैमिली नंबर बन गया। और मेरे जो दादाजी हैं, मतलब उनको 2 बेटे हैं, बोलते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं जो कि एक गिर गाय दिए हैं दूध खाने के लिए हमें। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री थे बादल साहब, तो उन्होंने मुझसे गिर गया, तब तो मैं राजनीति में नहीं था लेकिन मेरा उनसे अच्छा परिचय था, तो उन्होंने मुझे कहा मुझे गिर गाय चाहिए आप लग देगी, तो मैंने उनको 5 गिर गाय दी। फिर बाद में मुख्यमंत्री बन गया, तो एक बार हम सब मुख्यमंत्रियों का भोजन था, उन्होंने कहा भाई ये गुजरात के लोग ऐसे हैं, इनकी गाय भी ऐसी है। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले किसको मारती नहीं है। आपको भी यही अनुभव आया है ना? जी सर। बच्चे भी गाय के पास चले जाते होंगे। हाँ सर, मुझे गिर गाय जब मिली ना तो मेरे यहाँ बांधने के लिए जगह नहीं था, उसको मैं रोड पर बांधी। जगह उसके पहले था,
लेकिन 15 बरिस से वह स्टे पड़ा था, मुकदमा भी चल रहा था। जब गिर गाय आई तो मैंने उनसे प्रार्थना की, हे माता, कम से कम आप अपने लिए यह सुलभ कराइए, इस जमीन का झगड़ा संत कराइए। वो झगड़ा भी समाप्त हो गया, पहली बात तो ये। मेरे पैर से चला भी नहीं जाता था। मैं सोचे कि अब तो ये गाय आ गई, हम इनकी सेवा कैसे करेंगे। दवा बहुत हुआ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करने के लिए कमर का, वह भी नहीं करवाए। जब वो आई उनका दूध का सेवन करने लगे तो दवा भी बंद हो गया, मेरा मर्ज भी खत्म हो गया। आपकी ये देन है जो कि गिर गाय आई। मेरी पारिवारिक स्थिति सही ठीक नहीं थी, उनके आने से मेरी पारिवारिक स्थिति में सुधार आ गया और मैं बहुत खुश हूँ सर जी कि आपने मुझे गिर गाय दिया। गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। आपको मालूम है सरकार एक मुंह पका खुर पका बीमारी होती है, उसके वैक्सीनेशन के लिए सरकार पैसे खर्च करती है, ये डेयरी भी करती है, तो वो वैक्सीनेशन रेगुलर करवाना चाहिए। करवाएंगे किसका, गाय का है? जब से वो गिर गाय आई है तो अच्छा दूध भी उसका है और बच्चे डरते भी नहीं है। गाय की इंसानों का दोनों ही बहुत पौष्टिक है, जैसे पैरों में दर्द या कैल्शियम की कमी होती थी तो ये बहुत अच्छा था। वही तो मैं कह रही हूं। और पहले हम लोग गाँव में दूध देते थे तो बाल्टा वाला 25 या 26 रुपए लीटर देता था, लेकिन हम लोग बनास डेयरी में देते हैं तो ये 42 या 45 रुपए तक जाता है। तो इससे क्या हुआ, मेरी आमदनी बढ़ गई, हमने एक गाय और रख ली। अब मेरे गाँव में और लोगों के बीच में बातचीत हो रही है अभी। जी जी बिल्कुल, लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये माताओं का आशीर्वाद रहेगा मोदी जी को। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के बात करने का मौका मिला। मोदी जी वैसे कमाल कर रहे हैं, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वहां तक पहुंच रहा है, क्या लोग खुश हैं मेरे काम से, जो मतलब मैं कर रहा हूँ ये सब स्कीम्स ला रहा हूँ सब कर रहा हूँ, उनसे उनका फायदा हो रहा है। वो लास्ट में उससे पता चल रहा था, हंसी मजाक तो कर रहे थे पर लास्ट में ही इज वेरी सीरियस अबाउट दिस। आपने जिंदगी में देखा नहीं होगा एक प्राइम मिनिस्टर ना कॉमन मैन से, कॉमन पर्सन से कितने आराम से बात कर रहा है, और लोग भी मोदी जी से कितने आराम से बात कर रहे हैं। एग्जांपल सेट किया, किसी को कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, आराम से सर सर करके अपनी पूरी बातें बता रहे हैं, बिंदास बात कर रहे हैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर भी कॉमन लोगों के साथ वहां बातचीत हो रही है। तो आप कभी आपने कभी वरना आप कभी सोच सकते हैं जिंदगी में पहले की प्राइम मिनिस्टर से बात होगी, इम्पॉसिबल था। उनका प्राइम मिनिस्टर सोचता है कॉमन मैन को तो बकवास सोचता था कि एक कॉमन लोग इनसे इनके साथ क्यों मैं रहूं, तो प्राइम मिनिस्टर हूं भैया। पहले ऐसे होता था प्राइम मिनिस्टर अपने आप को, जो डायनेस्टी वाले प्राइम मिनिस्टर वो तो होते हम तो महाराजा हैं, ये लोग छोटे मोटे ये क्या, तो उनको कुछ समझते ही नहीं। राइट, अब आपको पीएम जी नजर आ रहे हैं जो कॉमन इंसान से पास कर रहे हैं, अब कॉमन इंसान को समझ आ रहा है कि कैसे होना चाहिए लीडर आपका, जो आपको मोटिवेट करे और आपको आगे लेके जाए। दिस इज अमेजिंग। बिल्कुल, हर एक मतलब एक कॉमन इंसान की जिंदगी को बेहतर करने की पूरी उनकी कोशिश है। अब देखो औरतों को, गांव की औरतों को ऐसे कैसे स्कीम्स लाकर उनको हेल्प कर रहे हैं ताकि उनकी भी रिस्पेक्ट बढ़े उनके घर घर में, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ वहीं से शुरू होगा। अगर मदर एजुकेटेड होगी तो अपने बच्चे को भी एजुकेटेड रखेगी और आगे लेके जाएगी। सेहत मदर की अच्छी होगी, बच्चे की, तो उन्होंने पूरा देख लिया कि कहां से मेरे को चेंज शुरू करना है जिससे पूरे के पूरे आगे चेंज ही चेंज आ जाए। और सबसे कमाल की बात थी कि जो भी पैसा इनके अकाउंट में जाना, उन्होंने कहा कि और आदमियों के नहीं, हस्बैंड के अकाउंटों में नहीं डालना, आदमियों के इनके पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए महिलाओं के। कमाल है यार, कितना दूर का सोचते हैं, मजा ही आ गया देखने में। तो चलो अभिषेक और अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।